जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मामून है। मैं आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर और मेरे पास गाड़ी है हेवल की जूलियन। मैंने ली है कोई 2 से 3 महीने मुझे हो गए हैं गाड़ी लिए हुए। तो मुझे तो जी बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। मैंने कोई 2500-2600 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। तो आज मैं आपके पास आया हूँ जी इसका रिव्यू लेके। ये पाकविज़ वालों ने मुझे कहा है इसका रिव्यू, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। मुझे इंजन का नहीं पता था कि इसमें कौन सा इंजन है क्या है, बस पता था 1500 है। लेकिन क्योंकि जब ले ली, उस लेने से पहले थोड़ी सी, क्योंकि पार्क व्हील्स के रिव्यूज़ देखते रहते हैं हम भी, तो चीज़ें उसमें से जो निकलती हैं वो फिर हम भी उस पर वर्किंग मैंने की कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जी इंजन वाइज ये 1500 है, ठीक है। DCT ट्रांसमिशन है, 7 गियर, और जो न्यूटन मीटर टॉर्क इसकी जो कहलाती है वो दैट इज़ अबाउंड 210-220, और हॉर्स पावर इज़ अराउंड 150, 147 से 150 के दरमियान। आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतनी है इसकी हॉर्स पावर। बाकी पिक में मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं आई हैव कंपेयर्ड विद MG, मैं नॉट टू बी ऑफेंसिव टू एनीवन, लेकिन MG मेरा मैंने चलाई है, मुझे इसकी पिक MG से बेहतर लगी है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो गाड़ी जी ये मैंने ली है बैक इन दिसंबर के एंड में, जनवरी स्टार्ट में। कोई इसकी इनवॉइस है अराउंड 60-62, लेकिन मैंने क्योंकि बुकिंग थी नहीं, मैंने ऑन पे लेनी थी, तो मैंने ऑन पे ली है गाड़ी। कोई 4 लाख रुपए मैंने ऑन दिए इस गाड़ी पे, क्योंकि कलर सिल्वर विद ब्राउन इंटीरियर बड़ा रेयर है। मतलब गाड़ियाँ मेरी नज़र में तो नहीं गुजरी, मैंने तो कोशिश की है, कोई 8-10 गाड़ियाँ थी मेरे ख्याल में। सिल्वर में ज़्यादातर वाइट आता है, लेकिन ये ब्राउन कलर था, तो मुझे ये कलर लेना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा से ज़्यादा पैसे देने पड़े। नॉर्मल शायद अब इतना नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता कितना ऑन चल रहा है अब, लेकिन उस वक्त मैंने इतना दिए। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, चलने में तो गाड़ी डिफरेंट बात है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, चलने में तो अच्छी होगी, कोई भी गाड़ी लेने अच्छी है। लेकिन ये गाड़ी के स्पेशल कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जेन में थी लेने से पहले, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि इतनी अच्छी होगी। मेरा जेन था MG पे और दूसरी चीज़ों में, जैसे आपको पता है उनका कॉम्पिटिशन इसी से, किया से, हुंडई या टूसन है, MG है, या वो गाड़ी है क्या कहते हैं DS की, जो है DSF के जो ग्लोरी है वो, ये 4-5 गाड़ियाँ जो आई हुई हैं। SUV पे जाना था, लोकल गाड़ी नहीं लेनी थी, मतलब सेडान नहीं लेनी थी, तो इसका मूड बन गया ये लेने का। इस पर बड़ा मैंने वर्किंग की कि 1.5-2 महीने मैंने वर्क करता रहा हूँ इस गाड़ी पे, 86 भी, और इस पर स्पेशली। तो ये गाड़ी एंड में फाइनलाइज हुई, और बजट भी कुछ मेरा कुछ 6.5-6.2 के दरमियान बजट था, तो ये मैंने इसलिए ये फाइनल की गाड़ी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इसकी फ़ीचर्स पे कुछ, तो मैं थोड़े से आपको वो फ़ीचर्स बता देता हूँ। फीचर्स जैसे आपको पता है कि गाड़ी, नई गाड़ियाँ जितनी भी हैं MG, सारी इन सब में फ़ीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इस गाड़ी के स्पेशल कुछ मैंने कंपैरिजन की है विद MG। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मेरी मेरी नज़र में जो मुझे मुझे लगी है, एक तो इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन इसकी ऑलमोस्ट 12 इंचज़ है और बड़ी स्मूथ स्क्रीन है। क्योंकि आपको पता है सारी गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं, जैसे MG है और ये DSFK की जो गाड़ी है, ग्लोरी है, और या ये गाड़ियाँ, सबकी स्क्रीन से सारी चीज़ें गाड़ी ऑपरेट होती है, तो इसकी स्क्रीन बड़ी स्मूथ है। इसकी आपकी क्वालिटी वाइज, इसकी ग्राफिक्स वाइज चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। उसके बाद ही इसमें एक जो चीज़ है, दैट इज़ हेड्स अप डिस्प्ले। ये बड़ा यूनिक फीचर है, डेफिनेट बात है, जर्मन गाड़ियों में, दूसरी गाड़ियों में तो आप देखते हैं, महंगी गाड़ियों में, इस गाड़ी में होना एक बड़ा यूनिक फीचर था मेरे लिए। तो ये भी मेरे एक प्लस पॉइंट था कि मैं इस गाड़ी को ये चीज़ें जेन में रखूँ गाड़ी लेने से पहले। उसके बाद हम आते हैं इसका जो मीटर है, मीटर बड़ा खूबसूरत मीटर है, इसके अंदर 3 मोड्स हैं, डिफरेंट आप एनिमेशंस लेके आ सकते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे मेरे अपने, मैं अगर मैं दे रहा हूँ चीज़ तो मैं ये चीज़ें देखूँगा। डिफरेंट बात है, लोगों को चीज़ें कुछ को पसंद आती हैं नहीं आती, लेकिन मेरा क्योंकि मैं अपना राय अपनी राय दे रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें सारी बहुत पसंद थी। उसके बाद ये फ़ीचर्स, तो कुछ जो इंटीरियर के फ़ीचर्स हैं वो तो मैंने थोड़े से आपको एक्सप्लेन किए हैं। एक गियर बड़ा इसका यूनिक सा गियर है, आप देखेंगे लैंड रोवर्स में, जैगवर्स में ये वाले गियर्स हैं, तो ये एक बड़ा डिफरेंट चीज़ है। हम तो क्योंकि शुरू से करोला होंडा ही चलाते रहे हैं, इसके अलावा तो हमने कोई चीज़ चलाई नहीं है बचपन से ही, बीच में सुजुकी आ गई, फिर वो बलिनो चल रही है, उस तरह से मैंने वो मतलब बचपन से, मैंने क्या, हर बंदे ने पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेशली, ये गाड़ियाँ चलाई हैं बचपन से, तो हमारे लिए तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं ये। इस तरह की पहले मैंने, इससे पहले मैंने किया रखी हुई थी,
स्पोर्टेज, मतलब वो अभी भी है, वो चला रहा हूँ उसका, और इसका कंपैरिजन करूँ तो वो भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है फीचर वाइज। गाड़ी वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये इसमें जितने फीचर्स हैं, फीचर्स में मेरे ख्याल में ये बहुत ऊपर है उससे। उसके बाद कुछ फीचर्स इसके लेन असिस्ट वगैरह हैं जो बड़ा एक हैंडी फीचर है, लेकिन स्टार्ट में मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि गाड़ी अगर आपने मतलब जा रहे हैं और मोड़नी है तो चूँकि चीज़ की आदत नहीं थी तो वो बड़ा एक मुश्किल थे मेरे लिए, लेकिन फिर भी उसने आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। अब मैं 2-2.5 महीने से चला रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे हाथ से गुजर चुकी हैं और मुझे थोड़ी सी आदत पड़ गई है, लेकिन स्टार्ट में मुझे डिफरेंट बात है को महीना डेढ़ मुझे लगा है इसको चीज़ों को समझने में। अच्छा, मैं स्टेयरिंग पे मैं आऊँ तो स्टेयरिंग बड़ा इसका बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा नरम स्टेयरिंग है। किया स्पोर्टेज का ही बहुत अच्छा है, MG का भी अच्छा है, लेकिन इसका मुझे ड्राइविंग में बड़ा स्मूथ फील होता है कि जैसे टर्न्स में और चीज़ों में बड़ा मुझे अच्छा फील हुआ है। उसके बाद अगर इसके स्टेयरिंग के फीचर्स भी आ जाएं, जैसे सारे MG हैं किए हैं, बटन्स दिए हुए हैं आपके वॉल्यूम ऊपर नीचे करने के, आपकी क्रूज़ कंट्रोल के, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसकी LCD से रिलेटेड जो साउंड है अंदर, जो आप माइक्रोफोन लगा हुआ है, इतना अच्छा वैसे मैंने ना MG में देखा है ना मैंने किया में देखा है जितना इसका अच्छा है। क्योंकि मैंने जब भी ट्राई किया है, मतलब मुझे कभी किसी ने कहा कि यार ऊंचा बोलो, आगे होके बोलो, अगले को महसूस नहीं होता कि आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, ऐसे बात करें जी। इसके अंदर एक बड़े मज़े की चीज़ है जो शायद मेरे ख्याल से MG में भी है या Hyundai Tucson में भी है, दैट इज़ वायरलेस चार्जिंग। उसका बड़ा सुकून हो गया मुझे, फ़ोन रख दिया और चार्ज होता रहा, और कार प्ले, एप्पल प्ले, एंड्रॉयड प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वगैरह ये सारी चीज़ें ये नॉर्मल इसके अंदर हैं और बड़े आराम से चलती हैं, स्मूथ हैं। मैप्स वगैरह 12 इंचेस में मैप्स आ जाते हैं तो बड़ा एक मज़ेदार फील आती है आपको। अगर मैं अब थोड़ा सा सीट्स वगैरह की बात करूं तो दिस सीट इज़ 6-way इलेक्ट्रिक और जो पैसेंजर सीट है वो मैनुअल। ये इसका ड्रॉबैक कह लें, इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ तो ये इसका ड्रॉबैक है कि या दोनों सीटें कर दें आप या दोनों सीटें ना करें। वो एक सीट उन्होंने कर दी है, एक ने की, चलें खैर ये एक मेरी नज़र में एक ड्रॉबैक था। तो अब चलें ड्रॉबैक्स की बात कर ही रहे हैं तो चलें मैं अब दो तीन ड्रॉबैक्स जो मुझे महसूस हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो इसकी डिगी मैनुअल है, बूट बिल्कुल मैनुअल है। मैं 60 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ, 65 लाख खर्च कर रहा हूँ और हाथ से डिगी खोल रहा हूँ। चलें खैर वो भी हर बंदे की अपनी चॉइस है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो कोशिश करते हैं आगे ना बिठाएं लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं, ये सारा कुछ स्क्रीन में है तो कुछ स्क्रीन को हो गया, कुछ चीज़ लग गई, कुछ चीज़ टूट गई तो आप गाड़ी आपकी ज़ीरो है। जो आपके फंक्शंस हैं वो स्क्रीन से रिलेटेड हैं। अगर आपकी मैं इसमें अपना हेड्स अप डिस्प्ले जैसे है उसकी सेटिंग इसमें है, लेन असिस्ट की सेटिंग उसमें है, ईच एंड एवरी थिंग स्क्रीन में दी हुई। AC सिर्फ ऑन करते हैं, स्पीड ऊपर नीचे करना उस स्क्रीन के अंदर है, तो बड़ा कुछ जो है ना इस गाड़ी का स्क्रीन के अंदर है। खुदा ना खास्ता अगर स्क्रीन को कुछ होता है तो आप समझें कि आपको जाना पड़ेगा और आप गाड़ी आपके लिए डेड है। अच्छा जी, माइलेज क्योंकि मैं बड़ा पर्टिकुलर अबाउट द माइलेज, मेरे पास मतलब लास्ट 6 ईयर्स के मेरे रिकॉर्ड है। जब मैं पेट्रोल डलवाता हूँ किसी भी गाड़ी का तो मैं लिख लेता हूँ। तो किया स्पोर्टेज का मैं चला रहा हूँ पिछले कुछ 6 महीने से, तो मैं उसका भी एक एक चीज़ लिख रहा हूँ। जिस दिन 3 महीने से इसको भी डलवा रहा हूँ तो वो भी देख रहा हूँ। इसकी जी माइलेज जब मैं कंपेयर करता हूँ विद किया स्पोर्टेज तो 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क निकलता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आई हैव फैक्ट्स, मेरे पास फिगर्स लिखी हुई हैं, 3 महीने की लिखी हुई हैं। और मैं गाड़ी बड़े आराम से चलाता हूँ, मैं भगाता नहीं हूँ गाड़ी, मैं वो नहीं रखता कि पाँव रख दिया और बस भाग रही है। बड़े आराम से नॉट मोर देन 60-70 मैं शहर में चलाता हूँ गाड़ी। मुझे इसने शहर में कोई 11.5 से 12 की एवरेज निकाली है, और लॉन्ग पे जब हम गए हैं तो उसने मुझे 13.5 से 15 की एवरेज डिमांड में दी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर टेल बेरा टेल जब हम मरी गए हैं, ये एक मैं एवरेज बता रहा हूँ। ये मेरी एक माइलेज की एक है, इसकी इतने फिगर्स हैं तो हैं। उसके बाद अब गाड़ी ली है तो गाड़ी को चलाना भी है, तो चलाना तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि मैंने अभी तक 2500-2600 चलाई है, 1000 पे जाके आई गॉट अ चेक फ्रॉम द ठोकर वाला जो इनका शोरूम है, तो वहाँ तो कोई पैसे लगे नहीं। अब 5000 पे जाके उन्होंने कहा जी चेकअप होगा, जो ऑयल चेंज वगैरह चीज़ें होती हैं, तो मुझे उन्होंने कॉस्ट कोई दी है 10-12 हज़ार रुपये की, इतना लगेगा। मैंने पूछा है, मैंने करवाया नहीं है अभी तक। तो अगर 10-12, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों में भी, क्योंकि किया का भी इतने में होता है,
उसके पहले दो सर्विस फ्री थे 10,000 तक, उसके बाद मैंने 5-4,000 देने पड़े मुझे, 4-5,000 रुपये। तो इन्होंने तो मुझे कहा कि जी आपके पहले जो फर्स्ट थ्री हैं वो फ्री हैं, उसके बाद जो है आप आएँ और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरी नज़र में आपको ऑयल की कॉस्ट और एयर फिल्टर वगैरह वो 10,000 से 12,000 रुपये मेरा अपना अप्रॉक्सीमेट है जो उन्होंने मुझे बताया, वहाँ जाके पता लगेगा कितना है। तो ये सारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी। अब गाड़ी के अंदर जो सनरूफ है जो इसका वो पैनोरामिक है, इसका सनरूफ की मैं बात कर रहा था, जो इसका पैनोरामिक रूफ है मुझे ये लगता है कि स्पोर्टी से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इन रियलिटी आप ख़ुद देख लें आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको जैसे समझ आए। इसकी एक चीज़ थी कि मैंने जब गाड़ी ली तो मैंने एक रिव्यू देखा जिसमें बताया गया कि इसका सनरूफ जो है, इसका पैनोरामिक रूफ जो है वो बटन दबाना, हाथ दबा के रखें उसको, बटन को दबा के रखें तो पूरा खुलता है वरना नहीं खुलता। तो ये मैं वैसे ही उसने चेक करा था, मुझे नहीं पता था, मैंने एवं दो दफ़ा दबाया है तो वो खुल गया है। तो उससे एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि ऑटोमेटिक भी है वो, बिला झिझक आप अगर यह जेन में आपकी चीज़ है कि यह हाथ रखना पड़ेगा उसको दबाना पड़ेगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं, आप दो बार उसको प्रेस करें तो पूरा रूफ खुल जाता है। जो कैमराज हैं इसमें 360 व्यू मिल जाता है आपको, बड़ा एक अच्छा व्यू है, हैंडी व्यू है, आप बस जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन आप पूरा गाड़ी को चलते हुए भी 360 में देख सकते हैं। पार्किंग में आपको हेल्प करता है एक, वो बड़ा एक अच्छा फीचर है जो इंटीरियर के अंदर मुझे, मतलब ये चीज़ें का मैं आपको मजाक के अलावा, इतनी चीज़ें मुझे पता नहीं थी कि इस गाड़ी के अंदर हैं, क्योंकि इतना मैं डीपली इस चीज़ को रिसर्च करके नहीं आया था। मुझे गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत पसंद आया, लाइटें आपको जैसे पता है DRLs हैं इसमें, वो हेडलैम्प्स बड़े खूबसूरत, पीछे से लाइट्स इसकी बिल्कुल पोलस्टार जैसी। पोलस्टार मेरी बड़ी फेवरेट गाड़ी है बाय द वे, मतलब मैं टेस्ला के ऊपर मेरे पोलस्टार लगती है, मेरा अपना वो है, मेरी अपनी एक राय है। तो पोलस्टार जैसी लाइटें हैं इसकी पिछली, बड़ी खूबसूरत। तो एक तो वो भी एक एलिमेंट था, एलिमेंट भी बहुत बड़ा एलिमेंट था क्योंकि बड़ा उससे कंपैरिजन कर सकते हैं आप पोलस्टार के साथ। ऊपर से फ्रंट लाइट बड़ी खूबसूरत हैं, लैंड रोवर रेंज रोवर के डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ, खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन गाड़ी में एस्थेटिकली गाड़ी बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई है। फ्रंट में आप देखेंगे जो DRLs चलती हैं जब रात को, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, खैर आप लोगों की यार अपनी प्रेफरेंस है। किया स्पोर्टेज जैसे है उसकी डिफरेंट आगे से आप देखेंगे मुझे, लेकिन मुझे मैं क्योंकि डायरेक्टली आई एम कंपेयरिंग विद MG एंड किया स्पोर्टेज, ये दो ही गाड़ियाँ क्योंकि मैंने SUVs अभी चलाई हैं ये रिसेंट साल डेढ़ दो साल के अंदर जो मेरे पास हैं, उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उनसे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दी है अपनी जितनी सोच है अपनी रिसर्च के मुताबिक, आप लोग शायद जो लेंगे वो इसको बेहतर बता सकेंगे। मैंने क्योंकि गाड़ी इतनी चलाई नहीं है, आई हैव ओनली ड्रिवन 2500 ये 2-3 महीनों के अंदर, तो ये मेरा एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने सारी चीज़ें जो मैं देख सकता था, जितनी चीज़ों की मुझे इन्फॉर्मेशन थी, और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेट बात है चीज़ें होंगी वो निकलती आएंगी और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, तो वो चीज़ें मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी गाड़ी लेने के अंदर, नॉट लाइक ये लेने में, लेकिन आपको कंपैरिजन में आपको बेटर आपको एनालिसिस दे सकेंगी चीज़ें। तो पार्कव्हील्स दी, मैं पार्कव्हील्स आई बीन यूजिंग पार्कव्हील्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स, छोटे से थे शुरू से पार्कव्हील्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चचा ने अकाउंट बनाया बहुत स्टार्ट में गाड़ियाँ लेना बेचना में, क्योंकि मेरे चचा बड़े चीज़ के अंदर इन है गाड़ियाँ लेना बेचना, तो फिर शुशक से इन पार्कव्हील्स को देख रहे हैं। अब माशाल्लाह बड़ी स्पीड में पार्कव्हील्स ने तरक्की कर रहे हैं और ये एड्स वगैरह जो गाड़ियाँ आपकी मतलब पार्ट्स वगैरह भी वो भी वहाँ से मिल जाते हैं। तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और आई होप कि आप लोगों को इसने हेल्प आउट किया होगा। थैंक यू।